Assalamualaikum everyone, how are you all? This is me, Amna Khan. और आज के इस वीडियो में आपको ये मेकअप लुक देखने को मिलेगा. ये बेसिकली निशो खान से इंस्पायर्ड हो गया, मैंने क्रिएट किया है. आपको टाइटल से आइडिया हो गया होगा कि मैं आज आपके साथ हमारी पाकिस्तान की फेमस यूट्यूबर जो कि ब्यूटी यूट्यूबर है निशो खान, उनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने ये लुक क्रिएट किया है. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये लुक को क्रिएट करूँ. सो टुडे यू आर गोइंग टू वॉच अ निशो खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक. सो बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने क्या कारनामा अंजाम दिया है. सो आपको टाइटल से आइडिया हो गया होगा कि मैं निशो इंस्पायर्ड मेकअप लुक अचीव करने वाली हूँ. दिस इज माई लिटिल किड एंड शी इज डूइंग ऑल द मिस्चीवियस थिंग व्हेन आई गेट इनटू द मेकअप. सो लीव इट. सो राइट नाउ आई एम इन दिस लुक और इस लुक को अचीव करने के लिए मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, जो भी कुछ किया है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड शेयर एंड शेयर एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू देन हिट द सब्सक्राइब बटन. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो निशो का मेकअप लुक अचीव करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर. निशो ने जो जो ब्रांड्स और जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ की थी वो उनकी अपनी चॉइस थी. सो यहाँ पर मैं मेकअप लुक को कॉपी कर रही हूँ, उनकी मेकअप प्रोडक्ट्स को नहीं. सो कीप दैट इन माइंड. सो वो स्टिक वगैरह यूज़ कर रही होती हैं अपनी वीडियो में, तो मैं यहाँ पर स्टिक फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ. मैं यहाँ पर लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. ग्लैमरस फेस और क्रिस्टीन लिक्विड फाउंडेशन मैंने यहाँ पर मिक्स की है और उसे मैं इस तरह से अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ. ग्लैमरस फेस के मैंने 2 पंप लिए हैं और क्रिस्टीन के भी मैंने 2 पंप लिए हैं. ग्लैमरस फेस मेरे फेस पर थोड़ी वाइट हो जाती है, क्रिस्टीन थोड़ी डार्क हो जाती है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं जब भी अपने स्किन टोन पर अप्लाई करती हूँ तो ये बहुत ही परफेक्ट मेरी स्किन टोन से मैच होती है और बहुत ही अच्छी इस फाउंडेशन का रिज़ल्ट मेरे फेस पर आता है. मेरी स्किन ऑयली है और ग्लैमरस फेस और क्रिस्टीन की ये दोनों फाउंडेशन का मिक्सचर जो है वो मेरी स्किन पे बहुत अच्छी तरह से बैठता है. सो आप देख सकते होंगे कि मैंने अपनी स्किन पे पहले फिंगर की हेल्प से अप्लाई किया, फिर मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से फेस पे ब्लेंड कर लिया फाउंडेशन को. अब मैंने आई मैजिक कॉस्मेटिक का यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर लिया है. दिस आई मैजिक कॉस्मेटिक ब्यूटी स्पंज इज़ सो अमेजिंग और आजकल मैं इसी स्पंज को अपनी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई रियली लाइक इट. और अब यहाँ पर मैं मिस रोज़ का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ इन द शेड एवरी 6. अच्छा, आफ्टर कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूँगी अभी मुझे वीडियो में आ गया है तो आइडिया होगा. अच्छा, यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है. अच्छा, बी क्यूट का यहाँ पर मैंने ट्विन केक लिया है और उसे मैं अपने पूरे फेस पे टैप टैप मोशन में प्रेस कर रही हूँ बिकॉज फाउंडेशन जब आप अप्लाई कर लेते हैं, कंसीलर अप्लाई कर लेते हैं, तो उसको फेस पे सेट करना बहुत ज़रूरी होता है. सो ये समझ लें आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए सारी एफर्ट्स कर रहे होते हैं. सो यहाँ पे फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई करने के बाद बिक्यूट का पूरा ट्विन केक मैंने ड्राई स्पंज पे लेके अपने पूरे फेस पे टैप टैप मोशन में अप्लाई कर लिया है. यहाँ पे मैं क्रिस्टीन की कॉन्टोर किट से अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ. वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, 20 से 25 मिनट की वीडियो हो रही थी तो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा. और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कॉन्टोरिंग अपने जिन एरियाज़ की मैं कर रही हूँ. निशो खान ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्टोरिंग की हुई थी बिकॉज उनके फेस को भी कॉन्टोर की ज़रूरत है और मेरे फेस को तो ज़रूरत से ज़्यादा ही ज़रूरत है शायद कॉन्टोर की. सो यहाँ पर मैं अपनी जॉ लाइन को कॉन्टोर कर रही हूँ ताकि डबल चिन हाइड हो सके. नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, फोरहेड की कॉन्टोरिंग करूँगी. तो इस तरह से मैं अपने फेस को कॉन्टोर्ड लुक दे दूँगी. निशो खान ने कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग ज़्यादा की हुई थी तो मेरे फेस पे भी कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग की ज़्यादा ज़रूरत है. सो यहाँ पर हम दोनों की कुछ चीज़ें ये मैच हो गई. सो यहाँ पर मैंने कॉन्टोरिंग कर ली है और ब्रॉन्जिंग मैंने अभी नहीं की. अच्छा चलो, मैं शायद फिर आगे करूँगी ब्रॉन्जिंग. सो यहाँ पर मैं बेकिंग कर रही हूँ अपने
अच्छा ये पाउडर थोड़ा सा उड़ रहा था तो इस तरह से। अच्छा इस वीडियो में आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि मैं रोशनी से थोड़ा सा परेशान हूँ। रोशनी कोई लड़की नहीं है, रोशनी मैं लाइट की बात कर रही हूँ जो कि विंडो से आ रही थी। 3 बजे का टाइम था जब मैं ये वीडियो बना रही थी। और ये पाउडर बहुत उड़ रहा था और रोशनी भी मैं थोड़ी सी एडजस्ट कर रही थी कि लाइट में जो है, मैं चाह रही थी एक नेचुरल सनलाइट में अपना मेकअप लुक करूं ताकि हर चीज़ आपको क्लियर और वाज़े तौर पर नज़र आ सके। यहाँ पर मैंने बेकिंग कर ली थी अपने फेस की और अब मैं बेकिंग को डस्ट ऑफ कर रही हूँ विद अ फ्लफ़ी ब्रश। हाँ अब मैं करूँगी ब्राउजिंग। ब्राउजिंग के लिए मैंने रमल का स्टे मैट पाउडर पिक किया है और ब्राउजिंग मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये रियल टेक्निक का पाउडर ब्रश है और इससे बहुत अच्छे मेरे फेस पे जो है वो ब्रॉन्जिंग हो जाती है। आप देख सकते होंगे ब्रॉन्जिंग के लिए मैं किस तरह से अपने फेस पे ब्रश को सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ शेड को, ताकि और आपको वाज़े फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ फेस की स्लिम हो गई है थोड़ी सी, मतलब चपटी हो गई है क्या बोलेंगे, और दूसरी तरफ अभी बाकी है। अब मैं अपने राइट नहीं वीडियो में मैं लेफ़्ट साइड की कर रही हूँ राइट हैंड से। लेफ़्ट साइड की ब्रॉन्जिंग करूँगी। ब्रॉन्जिंग इस तरह से मैं करूँगी, यू आर सीइंग कॉन्टोर। और ब्रॉन्ज से ये होता है कि आपके फेस पे जो एक चिट्टापन होता है, जो बिल्कुल आपका बिल्कुल वाइट फेस लग रहा होता है, उससे आपके फेस पे एक शेडो क्रिएट हो जाता है, एक डेप्थ आ जाती है, आपके फेस के फीचर्स जो हैं वो इनहेंस होकर सामने आते हैं कि हाँ ये आपकी शक्ल है। कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पर मैं बता रही थी कि आईज़ के लिए मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। कैलेजोना की आई शेडो पैलेट, ब्यूटी ग्लेज्ड की रॉक मेटल आई शेडो पैलेट और हैंग फैंग के ग्लिटर्स, वो मैं आपको शो करवा रही थी। और मैं भूल गई थी कि मुझे पहले आईब्रोज़ भी बनानी है। यहाँ पर मैंने फोकल एयर की आईब्रो पेंसिल ली है। इट इज़ एन ओल्ड फोकल एयर आईब्रो पेंसिल। निशो खान जो है वो अपनी वीडियो में लेटेस्ट जो उनकी लॉन्च हुई है वो आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हैं, तो लेटेस्ट तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ओल्ड वाला था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। एज़ आई हैव मेंशन कि मैं प्रोडक्ट्स मैच नहीं कर रही, लेकिन जो जो प्रोडक्ट्स मेरे पास मैच किया मिलती जुलती निकल आएगी तो आई डोंट माइंड यूजिंग इट। यहाँ पर मैं फोकल एयर की आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज़ को ब्रश अप कर रही हूँ और अब मैं आईज़ को क्या करूँगी, आईज़ को रेडी करूँगी आई मेकअप के लिए। यहाँ पर मैंने सेम मिस रोज का कंसीलर लिया है और उसको मैं अपने आईलिड एरिया पे एज अ बेस अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक क्लीन कैनवस मिल सके मुझे अपनी आईज़ पे काम करने के लिए। फिंगर की हेल्प से मैं ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर मैं नहीं टच कर रही बिकॉज मेरा ओवरऑल फेस मेकअप काफ़ी हद तक कंप्लीट है, कुछ स्टेप्स रह गए हैं वो मैं लेटर ऑन कर लूँगी। अच्छा यहाँ पर मैं बिक्यूट का ही सेम फेस पाउडर जो है, बिक्यूट का ट्विन केक जो है वो अपनी आईलेट एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि आईलेट की जो बेस है वो सेट हो सके। यहाँ पर मैंने ब्यूटी ग्लेस्ट की आई शेडो पैलेट ली है और उसमें से मैं ये दो शेड जो है वो राउंड राउंड कॉर्नर ऑफ द वी की तरफ ब्लेंड करते हुए क्रीस लाइन की तरफ और क्रीस लाइन से थोड़ा सा अबव ब्लेंड करूँगी। अच्छा बहुत मुश्किलों से मुझे शेड मैच हुआ क्योंकि कैलेजोना में मुझे वो शेड नहीं मिल रहे थे जो निशो ने अपनी क्रीस लाइन और आउटर वी पे अप्लाई किए थे, तो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि ये शेड्स जो हैं वो उस मैचिंग के निकल आएँ। आई डोंट रिमेम्बर कि निशो ने कौन सी आई शेडो पैलेट यूज़ की थी, बट मुझे ये मैचिंग के शेड्स लगे ब्यूटी ग्लेज्ड में। अच्छा अगर आपके पास ग्लैमरस फेस के आई शेडो पैलेट है तो उसमें तो आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे जो निशो ने यूज़ किए हैं। मेरी मोस्ट फेवरेट आप लोगों को पता है कि कैलेजोना है, तो कैलेजोना में शेड्स नहीं थे और ये दो शेड्स मुझे ब्यूटी ग्लेज्ड की रॉक मेटल पैलेट में मिलते जुलते लगे तो मैं इन दोनों को यूज़ कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पर मैंने एक सेकेंड डार्कर शेड लिया है जो कि मैंने आपको दिखाया है, उसको आप देख सकते होंगे मैं बिल्कुल अपनी क्रीस लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ, लाइक आउटर वी पे ब्लेंड करते हुए आई एम ब्लेंडिंग टुवर्ड्स द क्रीस लाइन। अब मैंने एक कोर डार्क शेड लिया है और उसको मैं जस्ट अपने आउटर वी पे राउंड 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 एंड ब्लेंड करती रहूँगी, यह आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। So after this, what I will do? I have to cut crease. अच्छा यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि निशो ने ना बहुत ही कोई गोल्डनिश ऑरेंजिश येलोइश
कुछ गोल्डन शेड पिक किया था जो कि मेरे पास नहीं था, तो मैंने कैलाजोना की पैलेट से एक ये येलो शेड और बिल्कुल लास्ट में गोल्डन शेड, ये दोनों को मिक्स करके मैं अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मिक्स करके ये ऐसा शेड बनता है, बहुत ही खूबसूरत कैलाजोना आई शेडो पैलेट के शेड्स हैं। आई एम इन लव। अच्छा, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ हाँ मिस रोज़ का कंसीलर, और इससे मैं कट क्रीज करूँगी, हाफ़ कट क्रीज करूँगी, यू कैन सी द वे आई एम डूइंग। और आई हैव अ हुडेड आइज़, तो कट क्रीज का सिंपल और आसान तरीका यही है कि आप कंसीलर को अपने आईलिड एरिया पे अप्लाई करें और थोड़ा सा ऊपर देखें तो एक लाइन आपकी खुद ही क्रिएट हो जाती है, बस आपने उस लाइन को फॉलो करके अपनी क्रीज को कट करना होता है। इट इज़ सो मच ईजी। सो यहाँ पर मैं कट क्रीज कर रही हूँ। सो कट क्रीज करने के बाद जो दो शेड मैंने आपको कैलाजोना की आई शेडो पैलेट से दिखाए थे, द गोल्डन वन एंड द येलोइश शिमर शेड्स, इन दोनों को मिक्स करके मैं अपने सेंटर ऑफ द लिड पे अप्लाई कर रही हूँ। निशो ने भी पूरी आईलिड पे अप्लाई नहीं किया था, जस्ट सेंटर ऑफ द लिड पे अप्लाई किया था। सो मैं भी सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रही हूँ जिस तरह से निशो ने अपना मेकअप किया था। सो ऑब्वियसली मैं निशो खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रही हूँ, तो आई विल यू नो कॉपी हर लुक। सो यहाँ पर मैं इस शेड को ब्लेंड करूँगी, क्लीन मैंने ब्रश लिया है और मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि गोल्डन शेड और कॉर्नर ऑफ द वीकर शेड मतलब एक शार्प लुक ना दे, मतलब एक अलग से लगा हुआ ना लगे। एवरीथिंग शुड बी ब्लेंडेड ऑन द आईज़। सो यहाँ पर मुझे लगाना था आईलाइनर और मेरे चारों ब्रश ही गंदे थे, पता नहीं इतना आईलाइनर मैंने कहाँ लगा लिया। अच्छा, लास्ट वीडियो मेरी आईलाइनर से रिलेटेड थी ना, सो जो नए ब्रशेस थे वो मैंने शायद, अच्छा खैर, तो मैंने ब्रशेस को एक ब्रश को मैंने वॉश कर लिया, बाकी के मैं बाद में वॉश करती हूँ। सो यहाँ पर मैंने हैंग फैंग का गोल्डन ग्लिटर लिया है और उसे मैं जस्ट कट क्रीज की जो मैंने लाइन क्रिएट की थी उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ, और मैं ड्राई करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जब आईलाइनर आप अप्लाई करते हैं तो और आप फौरन ही ऊपर देख लेते हैं तो वो स्मज हो जाता है, तो बेहतर है कि आप जैसे ही अप्लाई करें आईलाइनर उसको ड्राई होने दें नीचे देखते हुए ही, ताकि आपकी लाइन ख़राब ना हो आईलाइनर की। अच्छा, यहाँ पर मैं बता रही हूँ जो लोअर लैश लाइन पे मैं शेड यूज़ करूँगी, मैं लाइटर टू डार्क की तरफ जाऊँगी। सबसे पहले मैंने लाइटेस्ट शेड जो अपनी आउटर वी और क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था, सेम वही शेड मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, और फिर मैं इसको बिल्डअप करना शुरू करूँगी डार्क शेड की तरफ। तीन शेड्स मैंने अपनी आउटर वी और क्रीज लाइन पे अप्लाई किए थे और वो ही सेम थ्री शेड्स मैं ब्लेंड कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पे। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि आई लव दिस गोल्डनिश वाइटिश शिमर शेड इन द कैलाजोना पैलेट, और वाइट शिमर शेड और वो जो मैंने अभी आपको शेड दिखाया उन दोनों को मिक्सअप करके मैं अपने टेयर डक पर अप्लाई कर रही हूँ, अपनी आईब्रो बोन पे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, अप्लाई कर लिया मैंने, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का काजल। ये काजल मुझे नहीं समझ में आया मैंने क्यों परचेज़ कर लिया, आई वॉज थिंकिंग कि शायद अच्छा होगा, और जब मैंने इस काजल को यूज़ किया तो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, लाइक वीडियो में ही अप्लाई करते हुए ये मतलब वाटर लाइन से गायब हो रहा था। सो दो तीन बार मुझे ये काजल अप्लाई करना पड़ा अपनी वाटर लाइन पे आईज़ पे। सो अच्छा, मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है एसेंस का, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि जार्डीना का ब्लश और सेवन कूल का हाइलाइटर, इन दोनों को मिक्स करके मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज निशो के लुक में ब्लश एंड हाइलाइटर काफ़ी यू नो चमक चमक कर रहा था। सो सेवन कूल का हाइलाइटर और ब्लश को मैंने मिक्सअप करके एज अ ब्लश ऑन अप्लाई कर लिया है। अब मैं सेपरेटली जहाँ हाइलाइटर अप्लाई करते हैं वहाँ पर मैं सेवन कूल का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ऑन द नोज़, ऑन द चीक बोन, और कहाँ, बस वो आप वीडियो में देख लें जहाँ जहाँ मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। सो
सो लिप्स के लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का ये रेडिश लिप लाइनर और मिस रोज़ की रेड लिपस्टिक है मेरे पास। निशो ने काफ़ी ब्राइट रेड कलर अपने लिप्स पे अप्लाई किया है, सो आई विल फॉलो द सेम। आउटलाइन अप्लाई करने के बाद आई एम अप्लाइंग द मिस रोज़ रेड लिपस्टिक एंड नाउ माई लुक इज़ कम्प्लीट। सो आई होप यू लाइक द लुक, आई होप यू लाइक द वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। मैं सेम निशो वाले डायलॉग तो नहीं बोलूँगी, बट प्लीज़ एवरी यूट्यूबर वॉन्ट्स कि उसकी वीडियोज़ को लाइक किया जाए, उसके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और उसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।